दुनिया के सबसे बड़े जंगल। दोस्तों, अब जब दुनिया से लगातार पेड़ों का संख्या कम होते जा रही है, ऐसे में भी कई जंगल है जिन्होंने अपनी पाँव जमा कर इंसानों का सामना किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक जंगलों की। वो जंगल जो करोड़ों साल से यह मौजूद है, वो जंगल जो घर है खूंखार आदमखोर जानवरों के। तो चलिए दिल को दम कर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, मिंडो नंबिलो क्लाउड फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में फैले इस जंगल को दुनिया के सबसे ठंड जंगल कहे तो गलत नहीं होगा। ये जंगल 192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, ये जंगल अमेजोन के जंगलों से कुछ ही दूर पर है, लेकिन इसका मौसम अलग होने के कारण ये उनका हिस्सा नहीं है। इस जंगल में 1600 से भी ज़्यादा पक्षी, मेंढक और अदर्स एनिमल्स की पीसेस रहती है। यह साल भर लगातार बारिश होती रहती है, जिस कारण इस जंगल जलियों कीड़ों से भरा रहती है। नंबर टू, किनाबालू नेशनल पार्क इन एशिया। मलेशिया में बना किनाबालू नेशनल पार्क, दोस्तों ये जंगल 754 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहाड़ों से घिरा ये जंगल टेस्नी की किसी फिल्म की सेट जैसा नज़र आता है। इसको यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, ये पार्क हमेशा टूरिस्ट से भरा रहता है, जिस कारण यह मौजूद जानवरों की स्पीसीज धीरे धीरे कम होते जा रही है। लेकिन उस जानवर जो खूंखार और आदमखोर है, अब तक सही सलामत है। दिन के दौरान ये जंगल जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना नज़र आता है। नंबर थ्री, डेंट्री फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। डेंट्री रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे खतरनाक पौधों का घर है। ये जंगल 1200 से भी ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, ये जंगल काफ़ी खूबसूरत भी है, इस कारण किसी फिल्म के सेट जैसा नज़र आता है। ये जंगल 10,000 से भी ज़्यादा फीसेस के घर है। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा हिस्सा घेर है इस जंगल में। सभी फीसेस के तितलियाँ, चमकादार और हज़ारों कीड़े रहते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार इस जंगल में घूमने के लिए टिकट चार्ज करती है। लेकिन दोस्तों, वो आप जानती है, ये दुनिया का सबसे पुराना जंगल है और इसकी उम्र 165 मिलियन सालों से भी ज़्यादा है। ये कई सदियों से अपने वजूद में है और डर और रोमांच का एक अनोखा मिश्रण है। दोस्तों, फैक्ट टेक चैनल की तरफ से ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।